प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। ओ सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। जस्सी जस्सी पुत, पुत पर बात फेरी आई है, दर्शन ले ले। आई बीजी। जिंदगी चार दिना दा फेरा, ना कर भलिया तेरा मेरा। जिंदगी चार दिना दा फेरा, ना कर भलिया तेरा मेरा। सबको अपना बना लो जी, पर भात फेरी आई है। हाय बीजी, ये क्या किया, दोबारा नला दिया आपने तो मुझे। अरे तू जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आद हम की, तो मैं क्या करूं। आप ना, आपने ये सब छोड़ो, मुझे आपसे बड़ी सारी बातें करनी। चलो ना मेरे साथ। क्या बीजी, आपके वीरेंद्र के लिए ना रिश्ता लेके आई हूँ। अच्छा, किसका? ये देखिए, मेरी छोटी बहन लवली का। सोनी निकली है, है ना? मुझे पता ही था आपको बड़ी पसंद आनी है। बहुत अच्छा खाना बनाती है, अभी बीए फाइनल का एग्जाम दे रही है, है ना? तो ऐसा करते हैं, वीरेंद्र और लवली को मिलाने का, देखने दिखाने का दिन फिक्स कर लेते हैं अगले सप्ताह। बस मेरे को जस्सी से भी तो बात कर लेने दे। हाँ जी बीजी, वो तो मुझे पता ही है, जस्सी से बात करे बगैर आपको सांस भी नहीं लेने वाले। मैं अभी देखती हूँ जस्सी है का। जस्सी, अरे वो नहाने गई है। हैं? चलो कोई नहीं बीजी, मैं खुद ही बात कर लूंगी फोन पे जस्सी से, है ना जी? तो आप अपना ध्यान रखना, आती हूँ मैं। ठीक है, चंगा। जस्सी पुत, जस्सी अब आ भी जा, आज तेरा नहाना ही नहीं खत्म हो रहा। भाई तुझे खुशखबरी सुनानी है। आई बीजी, आई। हाय बीजी, ऐसी कौन सी अच्छी खबर है कि जिसकी वजह से मुझे ढंग से नहाने भी नहीं दिया। अभी तो गई थी बाथरूम में कि शुरू हो गए। जस्सी जस्सी, अरे सविता आई थी। सविता आई थी, वो क्या करने आ गई थी सवेरे सवेरे? अपनी बहन लवली का रिश्ता लेकर आई थी अपने वरिंदर के लिए, फोटो दिखा कर गई है। लड़की सोनी है, बीए फाइनल का एग्जाम दे रही है। सविता कह के गई थी कि तुझे फोन करेगी कि कब देखना दिखाना रखना है। जस्सी तू एक काम करना, तू ही सविता को फोन कर लेना। कोई जरूरत नहीं है, वरिंदर आपका बेटा ही नहीं मेरा देवर भी है, इकलौती भाभी हूँ उसकी, इसलिए उसके लिए लड़की ढूंढने का, उसकी शादी कराने का हक भी मेरा और फर्ज भी मेरा, उस सविता का नहीं। हाँ हाँ, सो तो है, पर पुत्र अगर कोई अच्छा रिश्ता आए तो हर्ज ही क्या है लड़की देखने में। बीजी बीजी, जब से मैं इस घर में बड़ी बहू बनकर आई हूं, तब से मैंने आपको कोई शिकायत का मौका दिया है? ये तो शारजा रहते हैं, पर मैं यहां यहां रहती हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको, वरिंदर को, इस घर को अपना मानती हूं, बहुत प्यार करती हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझसे ज्यादा उस सविता पर भरोसा है तो फिर ठीक है। ले, मैंने ऐसा कब कहा? तो बस जो मेरी पसंद वही वरिंदर की पसंद। अच्छा आप ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। और तू? बीजी मैं तो भूल ही गई, सोमवार है और तेरा व्रत है। हाँ बीजी, इनके लिए और कुछ नहीं, बस इनकी लंबी उम्र और सलामती के लिए दुआ तो कर ही सकते हो ना। हाँ, आप ये सब छोड़िए, रानी आकर कर लेगी। चलिए नाश्ता कर लीजिए। ले बना दे मुझे निठल्ली। हाँ, रानी के आने का भी कोई वक्त होता है, मैं आपे कर लूंगी सारा। बीजी ये क्या, जरूर सविता का फोन होगा, मैं देखती हूँ। हाँ बोल। क्या बात है, मौसम बहुत
तूफानी लग रहा है आज। हाँ बेजी, इनका फोन है। मुझे एक काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। क्या? जैसे मेरे बॉस है ना, उनकी एक भांजी है लुधियाना में, मैंने उससे वरिंदर के रिश्ते की बात चलाई है। क्या वरिंदर के रिश्ते की बात लुधियाना? अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। देखो वो लोग शादी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तुम्हें जाके बस रिश्ता पक्का करना है। और फिर मैं भी 2 महीने की छुट्टी लेके यूं आया। सच्ची? तू 2 महीने के लिए घर आ रहा है? जी बीजी। बीजी बस ये रिश्ता पक्का हो जाए फिर मुझे छुट्टी मिली समझो। अच्छा बीजी, मैंने रिश्ते की बात बहुत सोच समझ के चलाई है, आप बस इतना देखिएगा कि मेरी बात का मान रह जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लुधियाना जाने की तैयारी करते हैं और तू घर आने की तैयारी कर। ले जस्सी से बात कर और खुद ही उसे खुशखबरी दे दे। जस्सी बात। हेलो जस्सी, तू खुश है ना? हाँ हाँ, वरिंदर के रिश्ते की बात है, मैं खुश क्यों नहीं होंगी भला। मधु, 10 का नोट शोर, क्या बात है? कोई प्रोग्राम बन रहा है नरेंद्र भाई सब के आने का? अब देखो वरिंदर की शादी तय हो जाए तो। अच्छा रिश्ते की बात चल रही है क्या? हाँ देखो अभी कोई लड़की। देखो देखो क्या, दुकान पे कितनी लड़कियां तो आती हैं, कोई नेल पॉलिश लेने तो कोई बिंदी लेने, पसंद कर लेगा किसी ना किसी को। ना वैसा है ही नहीं। पर अब तो ना भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी, बस जल्दी से जल्दी उसकी शादी तय हो जाए और फिर वो मनाएगा अपनी सुहागरात और तू मनाना अपना हनीमून। पागल है ये। ठीक है नहीं कैंसिल। क्या भाभी बार बार कपड़े चेंज करवा रही है, बाय द वे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। बेशरम कहीं का। बीजी संभालो अपने हीरो को, एक तो इसके लिए कुछ करो, ऊपर से इसके नखरे भी झेलो। हाँ कल ये पहन के रेडी हो जाना, रिश्ता यू हो जाएगा। रिश्ता? किसका रिश्ता? तेरा रिश्ता और किसका? व्हाट, मुझसे पूछे बगैर मेरे रिश्ते की बात? मैं कोई लड़की वड़की देखने नहीं जाऊंगा। वरिंदर, ओए वरिंदर सुन तो। देखा जैसे कल इसके लिए हमने लड़की देखने जाना है और ये है कि नखरे दिखा रहा है। आप चिंता मत करो, मैं बात करूंगी उसे मान जाएगा। अरे मनाना पड़ेगा जस्सी, अपने नरेंद्र की इज्जत का सवाल है। नाराज है? नहीं। तो फिर ऐसे मुंह क्यों मोड़ रहा है? तो क्या करूं? सिर्फ छोड़ दे। नहीं मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा। अपने भाई का मान भी नहीं रखेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड भाभी, बात भैया के मान की नहीं है, बात मेरी मर्जी की है। क्या है तेरी मर्जी? अभी तेरे सवाल का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि मैं अभी शादी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। अरे मेरी दुकान अभी सेट नहीं हुई है और वैसे भी मैंने अपने सारे शादीशुदा दोस्तों का हाल देखा है। पर एक बार मेरी बात। स्टॉप इट भाभी, मैं इस बारे में किसी की नहीं सुनूंगा। मेरे भी नहीं। अभी ये बात कहना जरूरी है क्या? तो फिर तू ही बता क्या बात करूं। कुछ नहीं। रंग जाए मोरी आत्मा।
शीशे छोड़ जा लेके मोरे चैन हजारों एक खलश छोड़ जा क्या देख रही है? कुछ नहीं। अच्छा, ये जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना, सब जानता हूं मैं। तू किसी गलत फहमी में मत रहना। कैसी गलत फहमी? यही कि मैं मान गया। मैंने मनाया है नहीं। मनाती तो भी नहीं मानता। मैं चाहती तो मनवा लेती। अच्छा बताना, क्या कहूं तेरी बीजी और तेरे भैया से? लड़की देखने चलेगा या नहीं? भैया की खातिर चल लूंगा। थैंक यू वरिंदर जी, थैंक यू। शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगा। Never. हाँ, जैसे वो तो तेरे लिए मरी जा रही होगी, तुझे देखते ही कह देगी कि लो आ गया मेरा हीरो। क्यों, हो भी सकता है? हाँ हो भी सकता है। अरिंदर बात सिर्फ तेरे मानने की या मेरे मनाने की नहीं है, बात समझने की है। तेरी शादी हमारे रिश्ते के लिए पर्दा बनेगी। वो पर्दा जो हमारी जरूरत है ओ जेड़ा मलिक लौंदा माड़ी ना सौंदा ना सौवण देंदा। 43 आज इसके लिए हमने लड़की देखने जाना है और ये है कि अभी तक कसरत ही कर रहे। 46 बीजी बनाने दो ना इसे बॉडी शॉडी, अपनी प्रीटी वुमन के पास जो जाना है इसे। हैं, आज भी वो अपनी दुकान प्रीटी वुमन पर जाएगा ते उसके लिए लड़की देखने कौन जाएगा, असी दोनों? ओहो मेरी बोली बीजी, मैं उस लुधियाना वाली कोई प्रीटी वुमन बोल रही हूँ। जस्सी वो मान गया? मना लिया। आपका और इनका ऑर्डर जो था तो कैसे ना मनाती। वैसे बीजी ये ना बड़ा जिद्दी है, आसानी से थोड़ी ना माना है। कल रात बड़ा सताया इसने, अब मानने के लिए। जैसे मैं तो समझी थी कि आप कुछ मत समझो, नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। इसने हैप्पी को बोल दिया गड्डी के लिए, आता ही होगा वो। ओ ये लो आ गया। अरे हैप्पी आ गया, वैसे चाबी लेके आता बीजी। अरे उसे अंदर बुला, नाश्ता करके जाए। बीजी आप ये सब रहने दो, मैं कर लूंगी, आप जल्दी से नाश्ता कर लो और तैयार हो जाओ। चलो से बात करना उनसे, जैसी पर लेके आए। अभी सुन, तेरे कहने पे लड़की देखने आ गया हूं, लेकिन अंदर हाँ कहने की जिद मत करना। जी हमें तो अब कुछ सोचना नहीं है,
निम्मी के मामा जी ने कह दिया है, हम निश्चिंत हैं। बस अब आप हाँ कहेंगे तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। हमें तो खुशी होगी अगर हम आप लोगों का मुंह मीठा कराकर ही यहाँ से विदा करें। बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, घर जाकर हम आपको जल्दी फोन कर देंगे। जी, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। वरिंदर, गड्डी है बिनु वापिस कर रहे हैं, और जल्दी आ जाना, दोस्त में बैठ मत जान। जी बीजी। इतना हीरो शीरो बन के गड्डी विच लुधियाने क्या करने गया था भाई? शादी करने का कोई प्लान नहीं है अभी, वो तो घर वालों की खुशी के लिए चला गया था यार। ले, नरेंद्र का ही फोन होगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं उसको कहने के लिए। पकड़ाना, तू ही कह दे जो कुछ कहना। आराम से। हेलो जसी, देखा है निमी को, पसंद आई तुझे? हाँ, मुझे और बीजी हम दोनों को अच्छी लगी वो। तुम दोनों को इतनी पसंद आई तो वरिंदर तो फिदाई हो गया होगा। वो वरिंदर ने अभी हाँ नहीं कही है। जरा फोन दे उसे। वो घर पर नहीं है, अपने दोस्त को गाड़ी लौटाने गया है। ठीक है, मैं फोन करता हूँ उसे। नहीं नहीं, आप प्लीज अभी उसे बात मत कीजिए, वो वैसे ही उखड़ा उखड़ा सा है। अरे किस बात पे उखड़ा उखड़ा सा है? अरे लड़की या उसकी फैमिली में जरा भी 19-20 होती तो क्या मैं इस रिश्ते की बात चलाता? वो भी कहां किसी में नुक्स निकाल रहा है। बस वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है और शादी से जुड़ी जिम्मेदारियों से घबरा रहा है। पागल है वो। जसी तू समझा उसे, वो तेरी सुनता है ना। इसकी ना का असर शारजा तक पहुंचेगा, लड़की का मामा बॉस है मेरा। तू समझा उसे। चल मैं फोन रखता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखेगा। ओ प्लीज बाप, आप सबके कहने पे मैं लड़की देखने चला गया ना, बस दैट्स इट। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। अब ये तो तेरी खामखा की जिद है। मैंने कल तुझे एक बात समझाई थी ना, पर्दे वाली। खैर छोड़ उसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तूने शादी को इतना बड़ा हवा क्यों बना के रखा है? क्योंकि हवा है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, पूरा नजरिया बदल जाता है। नहीं वरिंदर, कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलेगा। और क्यों बदलेगा? तू कल कह रहा था ना कि तूने अपने सारे शादीशुदा दोस्तों का हाल देखा हुआ है, पर एक बात बता, क्या दुनिया में जितने लोगों ने शादी की है क्या सारे के सारे नाखुश है, सारे फंसे हुए? चल तो दुनिया की छोड़, तुझे तेरे भैया और मैं नाखुश नजर आते हैं। अब वो सब मुझे नहीं पता, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। बस तू कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। माना शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लेकिन उस जिम्मेदारियों को निभाने का भी अपना सुख होता है, मजा होता है। अब तू देख, मैं यहाँ अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा रही हूँ और तेरे भैया वहां अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। नहीं भाभी, अगर भैया ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई होती ना तो तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी किसी और को ना निभानी पड़ती, तुम्हें अपनी खुशियां किसी और की बाहों में ना ढूंढनी पड़ती। नाम
आपके कहने पर वरिंदर को समझाने गई थी। शादी से जुड़ी खुशियां और सुख की कहानी सुनाने गई थी, पर क्या सुनाती? शादी के नाम पर मैं खुद ही ठगी गई हूं, क्या सुनाती? मेरे अपने हिस्से में सिर्फ अधूरी खुशियां और अधूरा सुख आया है। जैसी तो खुश है ना? हाँ, इतनी खुश कि बिना वजह मुस्कुराने की आदत अब पड़ गई है। कोई शिकायत तो नहीं है तुझे? गलत सवाल पूछ रहे हैं आप जैसा पति, विजी जैसी सास, परिंदा जैसा देवर और ये प्यारा सा घर, और मुझे क्या चाहिए? जैसी एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं, आपको पाने के बाद मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी जरूरतें, खुशियां, मेरे सपने, सब कुछ आप ही से शुरू और आप ही से खत्म। थैंक यू जैसी। थैंक यू किस लिए? मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। आपने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बना दिया, पर अपने फैसलों का नहीं। तभी तो शादी के 6 महीने बाद ही आपने मुझे इतना बड़ा फैसला सुना दिया। जसी, ये गुड न्यूज है। जसी, मुझे शारजा में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, बस 2 दिन में वहां ज्वाइन करना है। जी तो सच में बहुत बड़ी न्यूज है। मैं बीजी, वरिंदर सबको बता के आती हूँ। मैं अपने हम दोनों के पैकिंग में कर लूंगी। जसी, हम दोनों नहीं, मुझे अकेले को जाना होगा। आपके जाने के बाद मैं बहुत रोई, पर धीरे धीरे पीछे की बहू वरिंदर की भाभी बनकर जीने की आदत डाल ली। एक का दो, दो का तीन, 5 साल हो गए। घर के हालात तो बदले, पर मेरा क्या हुआ? सपने मेरे भी थे, अरमान मेरे भी थे, जरूरत मेरी भी थी, वो जरूरतें छाप के इंतजार के कुछ ही दिनों के लिए मोहताज बन गए। आप तो मर्द है ना, सही गलत कुछ भी कर ले, कोई उंगली तक नहीं उठाएगा। लेकिन मैं इस घर की बहू हूं, इज्जत हूं, जो मेरे पास नहीं था
वो मुझे इसी घर की चार दीवारी में ढूंढना था। आज वरिंदर ने जो कहा ना, अच्छा नहीं लगा। तीर बनकर यहां चुभी है वो बात, इस चुभन का दोषी मैं किसे बनाऊं? आपको जो मुझे अकेला छोड़ गए, या उसे जिसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, किसे बनाऊं? आपने बनाया है उसे मेरी जरूरत। वरिंदर है मेरी जरूरत। वो बन गया है मेरी जरूरत। जिंदी रहे, गुड स्वागन। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, रानी बना रही है ना। रानी, जस्सी के लिए भी चाय बना लाना। जी बीजी। जस्सी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ बीजी, ठीक हूँ। आंखें क्यों सूजी हुई? रोई थी? वरिंदर ने रुलाया क्या? समझ गई। तू समझाने गई थी ना उसे, जरूर उसने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया होगा। नहीं बीजी, ऐसा कुछ नहीं है। अब हैवी टेंशन ले रही हूँ। तू ना उसकी तरफदारी करना बंद कर दे। आज मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वरिंदर, ओ वरिंदर। जी बीजी, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? तूने ये क्या तमाशा लगा रखा है? जो तुझे समझाने जाए उसे दो जली कटी सुना के रुला दो ना। जो तेरे दोस्त है ना, वो तेरे को डरा रहे हैं ना कि शादी नहीं करनी है और ना सारे का ब्याह हो जाना है। बस करो बीजी, बस करो, मेरी बात तो सुन लो। पर क्या सुनूं, कुछ बोलेगा तो सुनूंगी ना। हाँ बीजी हाँ। क्या हाँ? लड़की वालों को हाँ कह दो। क्या कहा, फिर से बोल। बीजी, निम्मी के घर वालों को शादी के लिए हाँ कह दो, मैं तैयार हूँ। ये जस्सी, सुना तूने? खोते ने हाँ कर दी है? ये सब तेरे ही समझाने का नतीजा है। रानी जा, रसोई में जा और चीनी लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करा। चीनी आपकी चाय के साथ लाई थी, लो। सबसे पहला हक तो मेरी जस्सी का बनते है। ले ले ले, मुंह मीठा कर। अरे कोई मेरा भी मुंह मीठा करा दो। बेशर्म ना होए, हैं? जैसी तू ही इसका मुंह मीठा करा दे, हाँ? मैं माथा टेक के आती हूँ। भाभी, I'm sorry भाभी,
कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अब बात भी नहीं करेगी। डर लगता है। अरे मैंने कहा ना, मेरे मुंह से निकल गया। जो बात दिल में थी वही जबान पे है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। मुझसे माफी मांगने के लिए तो हानि कर देना। नहीं, तूने जो कहा मैं वो समझ गया। क्या? यही कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलेगा। तो बस मैंने अपना फैसला बदल दिया। जस्सी पुत, निम्मी के घर वालों को भी फोन लगा दे, उनको भी ये खुशखबरी सुना दे। सारी रात बेचारे टेंशन के मारे सोए नहीं होंगे। जी बेटा। परिंदर पुत, तेरे एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अब तो मैं दो दो बहुओं की सास बन जाऊंगी। मेरा नरेंद्र पुत्र लंबी छुट्टी लेके घर पे आएगा और ये मेरा जिद्दी पुत्र सेहरा बांधेगा, डोली आएगी। आज तो घर में ना चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। जैसे फोन ही लगा तेरा बेटा। चल छाड़, नरेंद्र को फोन कर, सबसे पहले उसको खुशखबरी सुनाते हैं। बीजी, मैं क्या कह रही हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, क्यों ना ये बात वरिंदर ही अपने मुंह से बताए। हेलो, हाँ हाँ, वरिंदर से बात कीजिए। ले कर गल अपने प्राण, खुशखबरी दे उन्हें अपने मुंह ना। सूजी, हाय रानी। ओहो रानी, सूजी जला दी तूने। भाभी कढ़ाई गरम थी, जला ली ना उंगलियां आप। नरेंद्र पुत्र सब समझ गई। हाँ, कल मैं निमी के घर में फोन करूंगी, फिर रोके का वक्त फिक्स करूंगी, फिर तेरी जीती चाची को न्योता भी दे दूंगी। है बस खुश। मुझे सिखा रहा है क्या करना कैसे करना है, है? जेठ बना है मेरा दादा नहीं। जस्सी पुत्र, तू ना ये सारा अपना काम निपटा के ना मेरे कमरे में आना, जरा देख लेते हैं कल निमी को कौन सा सेट देना रोके पे। ठीक। घर वालों, कोई रोके को छोड़ो, इस भूखे की सोचो। जस्सी भाभी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे वरिंदर, अब हर बात पे अपनी भाभी को आवाजें देने की आदत बदल ले, वोटी आने वाली है तेरी, खोता ना होए ते। नाना भीजी, ना तो ये बदलेगी और ना ही मैं। अब भीजी, पहले मैं इस भूखे को नाश्ता दे दूं, आप तब तक निमी के घर वालों को फोन कर लीजिए। ज्वेलरी का तो डिसाइड कर लेंगे ना। हाँ चंगा, फिर आ जाए मेरे। हाँ हाँ ठीक है। बताओ कौन से पराठे खाने हैं? कोई भी खिला दो। नहीं बीजी, ये नहीं। क्यों, इसमें क्या खराबी है? तेरे रोके पर भी तुझे ऐसे ही सेट पहनाया था। तभी तो, देखो तो जरा कितना ओल्ड फैशन सा लग रहा है। तो फिर तू आप पे पसंद कर ले। बीजी, वो वाला कहाँ है, मोती चेन वाला? कौन सा? वही जो पिछले साल नरेंद्र तेरे लिए लाया था। तो ना बाबा ना, वो तो तेरा है ना, वो मैं निम्मी को कैसे रोके पे दे सकती हूँ? वाह बीजी वाह, अभी तक तो देरानी घर आई नहीं है, लेकिन आप अभी से मुझे तेरा मेरा करना सिखा रहे हो। हाँ जस्सी, मुझे तो तेरी समझ नहीं आती, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है तू। बहुत ही वड्डा दिल है तेरा। औरतें ना अपना पति और गहने किसके साथ बांटती नहीं है। बीजी, कर ली मेरी तारीफ, किसी अलग मिट्टी की बनी हूं ना मैं। बीजी, मैं नहीं जानती कि मेरा दिल बड़ा है या छोटा, मैं तो बस एक ही बात जानती हूं कि हमारा घर सांझा तो सब कुछ सांझा। कर वाला कर, मेहमान आए। दरवाजा खोल। तेरी बना चाची जी। खुश रहे, खुश रहे। जी आया नू तन पाक साड़ी। हाँ जेब खाली कर लो। ऑटो रिक्शा के लिए तो चाची के पास छुट्टे पैसे होंगे नहीं, हजार की नोट होगी, है ना? पैरी बना ताई जी। अरे कुछ काके। पुत्र जीतर है, पुत्र ऑटो वाले को पैसे दे दे, मेरे पास तो हजार का नोट है। जी पता है। मेरे पास है ना छुट्टे, मैं देता हूँ। चुप कर।
500 का ही नोट है, हाँ? आजा आजा मुझसे ले ले। कैसा है मेरे हीरो? ये ले पैसे, हर बार तो मुझसे ही लेता है। जा। रानी सामान ले जा। हाँ। चाची जी कि बैग इतना हल्का, कहीं गलती से खाली तो नहीं ले आए? अरे मुझसे कभी गलती नहीं होती। हाँ अरे मेरे विदेन पुत्र की रोक के पे आई हूँ ना, तो मेरी परजाई जी बैग को भर के नहीं देगी। क्यों परजाई जी, क्या मेरे को बैग खाली दोगे? हाँ बोलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जा ले जा। क्या बात है, हैंडसम लग रहा है। हैंडसम लग रहा है मतलब हूँ नहीं क्या? हाय हाय अपने मुंह मियां मिट्ठू। हाँ क्यों, तुझे नहीं लगता क्या? हाँ लगता है, पर जिसे इंप्रेस करने के लिए तूने जो तैयारी की है ना, उसमें कोई कमी रह गई है। क्या कमी? इसकी अब तो ठीक है ना? हाँ मेरे लिए तो है, निम्मे का मुझे नहीं पता। वो तो पहले से इंप्रेस्ड है। अच्छा ऐसा क्या देख लिया उसने तुझमें? मतलब मेरी बातों के ज्यादा मतलब मत निकाला कर, चल जल्दी आ जा। शुक्रिया। कुड़ी तो बहुत ही सोहनी है जी। जैसी ये निम्मी ये आपके लिए। ये सब इन सब की क्या जरूरत है? बहुत कुछ है बहन जी। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस हमारा प्यार है जी। जसीपुत चाय ले आओ। जी बीजी। निम्मी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं तुम मेरी होने वाली देवरानी हो और तुमसे मैं अभी से काम कराने लगूंगी। वरिंदर जाओ निम्मी को अपना कमरा दिखाओ। जा 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 पुत्र जा। रानी जल्दी जल्दी हाथ चला, वहां वो लोग वेट कर रहे हैं। जस्सी भाभी आप ना बड़े भोले हो, इतना अच्छा मौका खो दिया आपने। अरे चाय बनाने देते अपने होने वाली देवरानी को, कम से कम पता तो चल जाता कि चाय बनानी आती भी है कि नहीं। अच्छा जी वो पहली बार हमारे घर आई है और उसे मैं काम पे लगाती है ना। हाँ ये भी सही है, वैसे बहुत अच्छा मौका दिया आपने उन दोनों को। और ये ये पहना था तुमने? अरे भाभी तू तू क्यों आई, रानी को भेज देती। अरे निम्मी पहली बार हमारे घर आई है, इसकी खातिरदारी करूंगी तभी तो ये जेठानी की सेवा करना सीखेगी, क्यों निम्मी? हाँ लो ना तुम्हारे लिए खास बनाया। लो थैंक यू। क्या देख के हंसी आ रही थी, इसकी फोटोज पता है निम्मी? इस एल्बम में इसकी और भी बहुत सारी फोटोज है, जिसे देख के तुम कहोगी ये कौन है, नंगू पंगू सा बच्चा। भाभी प्लीज। अरे झूठ थोड़ी ना कह रही हो। पता है निम्मी कॉलेज के प्ले में ये लड़की बना था मेरा सूट और दुपट्टा पहन के, वो फोटो भी दिखाऊंगी। और वो पिक्चर्स मैंने फाड़ दी हैं। जी नहीं उसमें की दो फोटोज मेरे पास है, उसकी फ्रेम बनाकर निम्मी को दूंगी।
क्या हुआ? पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वरिंदर जा पानी लेकर आ। लगता है इसे मिर्ची लग गई। अब नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे क्या इट्स ओके, और तू यही बैठा हुआ है, जा पानी लेकर आ। मिला। अच्छी चॉइस है तुम्हारी जी। हाउ डू यू, सॉरी, आपको कैसे पता? आई नो, क्योंकि मेरे वरिंदर को पसंद किया है तुमने। अच्छा ये बताओ, खाने में तुम्हें क्या पसंद है? खाने में नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, सैलेड्स। रोज रोज घर का खाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, सो लेकिन वरिंदर को तो घर का ही खाना पसंद है, स्पेशली पराठे। पसंद बदली जा सकती है। और फ्री टाइम में क्या करती हो? घर पे बैठना अच्छा लगता है या? नो नो नो, नॉट एट ऑल। आई तो लाइक घूमना फिरना, सैटरडे नाइट्स, और संडे को तो पूरा दिन एम आउट, मूवीज, ईटिंग आउट, मीटिंग फ्रेंड्स। लेकिन वरिंदर की शॉप तो संडे को भी खुली रहती है। कोई बात नहीं, कभी कभी मेरे लिए बंद कर सकते हैं। और वैसे भी शादी के बाद थिंग्स चेंज, तो वरिंदर भी बदल जाएंगे। ये लो पानी। थैंक यू। तुम लोग नाश्ता करके जल्दी से नीचे आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, कम सिट। निम्मी, देखते हैं कौन किससे बदलता है, वरिंदर तुम्हें या तुम वरिंदर को। क्या जरूरत थी खुद जाकर वरिंदर को शादी की डेट के बारे में बताने की? इस शादी से भैया खुश, बीजी खुश, तू खुश, बस मुझे एक ऐसे बंधन में बांधो जिसमें मैं इतनी जल्दी बंधना ही नहीं चाहता। शादी के बाद हमेशा के लिए कपूरथला से गुडबाय करवाना पड़ेगा उसका।